आपको पता है गाइस टाइम क्या हो रहा है? टाइम मैं हूँ धौलपुर में और आज दिन है, ये देख लो गाइस किस कदर अंधेरा हो रहा है यहाँ। जैसे सुनसान सी गली अंधेरा हो रहा है, अभी तो 5:30 की हो रही है। मजाक कर रहा हूँ आपसे, सुबह सुबह उठ के मजाक करूँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच ही गया मथुरा पे। आपको पता है गाइस टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी 5:34 और मैं उठ चुका हूँ। मेरी तरफ कैमरा घुमा, चलो आप बोल तो घुमा ही देता हूँ। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं हूँ धौलपुर में और आज दिन है 2 अक्टूबर 2023 और मैं हूँ अभी धौलपुर में। तो आपको मैं इतना जल्दी उठने का रीज़न बता देता हूँ कि मैं इतना जल्दी क्यों उठा और सुबह सुबह कैमरा चालू कर दिया। आप देख सकते हो मैं नहा धो के एकदम सेट हो गया, तो इतना जल्दी मैं इसलिए जाग गया, बैठ के बताता हूँ। तो इतना जल्दी मैं इसलिए जाग गया कि हम निकल रहे हैं ट्रिप पे, हमने मतलब मैं अकेला, तो ये बोल सकते हो आप कि ये मेरा सोलो ट्रिप है। तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठ के रेडी हो गया इतना जल्दी सुबह सुबह, देख रहे हो आपके लिए। तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ये देख लो गाइस किस कदर अंधेरा हो रहा है, पूरी गली में अंधेरा अंधेरा छा रहा है, चारों तरफ अंधेरा है ये देख लो। और हम नहा के रेडी हो गए हैं, तो जैसे ही हमारा भाई गेट खोल दें फिर निकलते हैं। हमारा भाई जाग गया गाइस, फाइनली हमारा भाई जाग गया और मैं यहाँ से निकल गया हूँ। ये इस गली में ऐसे सुनसान सी गली, अंधेरा हो रहा है, अभी तो 5:30 की हो रही है। ये देख लो, अभी यहाँ से बाहर चलता हूँ, बाहर से ऑटो तो मिलने से रहा अभी, रेलवे स्टेशन मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा। 6 बज गई है समथिंग, 6 नहीं अभी तो बजे 5:30 बजे, इसलिए ऑटो नहीं मिलेगा। अभी पैदल पैदल चलते जहाँ तक हो सके, ऑटो मिल गया ऑटो ले लेंगे, नहीं तो पैदल ही सही। देख लो गाइस सुबह सुबह सफाई चल रही है, स्कूल के नीचे आ गए हैं, यहाँ पे सफाई वगैरह चल रही है। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? सुबह सुबह उठ के मजाक करूँगा आपसे? नहीं यार, मैं सही में सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ और अकेला ही हूँ। देखते मेरे आसपास भी, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं सच में अकेला जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे? सुबह सुबह उठ के मजाक करूँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपसे मजाक कर ही नहीं सकता। ये बैग देख लो, मैं अकेला हूँ, देख लो कोई भी नहीं है मेरे साथ। पूरी वीडियो में देख लेना अगर कोई दिख जाए तो। क्या हो गया इसको पता नहीं, चल ही नहीं रहा। देख लो गाइस टिकट मिल चुकी है और टाइम हो गया 6:09 और अभी तक आपको पता नहीं चला हो तो मैं आपको बता दूं अब, या चलो रेलवे स्टेशन चल के ही बताता हूँ। भाई देख लो सुबह सुबह इंडिया का फ्लैग और इधर ही आ गया रेलवे स्टेशन, और ये धौलपुर का रेलवे स्टेशन है। तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ फिल्म में, तो मैं अभी जा रहा हूँ मथुरा, मतलब मथुरा वृंदावन बोल सकते हो आप। इससे पीछे से, हमारे पीछे से मालगाड़ी जा रही, देख लो ये। और मैं अभी जा रहा हूँ मथुरा, मेरे साथ तो कोई है नहीं, ऐसे ही मन बना लिया कि मेरे भाइयों के लिए ब्लॉग बनाना है। मैं अकेला मथुरा जा रहा हूँ। मथुरा में सबसे पहले तो प्रेम मंदिर देखूँगा, क्योंकि मैंने जैसा सुना है कि वो 8 बजे तक बंद हो जाता है, नहीं 12 बजे तक, तो बंद होने से पहले उसको देख लेना चाहता हूँ मैं।
गाइस 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 फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ मथुरा जंक्शन पे। तो यहाँ से अभी प्रेम मंदिर का कैसे क्या रूट रहता है बिल्कुल मैं तो नया हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं। पहले अपन इसको क्रॉस कर ले, किसी साइड से एग्जिट लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको मैं कैसे क्या करना पड़ता है। ये ऊपर से फ्लाई ओवर बना रखा, उस फ्लाई ओवर पर बाइक जा रही, वो देख लो। फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच ही गया मथुरा पे, देख रहे हो पीछे भीड़ देख लो। ये ट्रेन में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये हुआ कि कोई परेशानी नहीं हुई इतनी, और नहीं तो किस कदर भीड़ है यहाँ पे, बहुत बहुत तगड़ी वाली भीड़ है। गाइज आपके लिए फुल मेहनत चल रही है, जैसे मेहनत कर रहा हूँ ऐसा सपोर्ट भी मिलना चाहिए आपके लिए। मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के यहाँ मथुरा आ गया वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो मैं क्या बनाऊँगा मेरे को ही नहीं पता अभी, और कहाँ जाऊँगा कुछ भी नहीं पता मेरे को। मतलब आप ये मान सकते हो कि जो फर्स्ट टाइम आ रहा उसके लिए ये वीडियो कि कैसे कैसे क्या क्या परेशानी हो सकती है ये सब देखने के लिए। मथुरा आते ही ये कृष्ण भगवान के दिखने लग गए। अभी यहाँ से मेरे को जाना है वृंदावन, और वृंदावन जाने के लिए यहाँ से कैसे जाऊँ अब मेरे को भी नहीं पता। ऑटो लूँ, बस मिलेगी, क्या मिलेगा मुझे पता ही नहीं है। तो मैं आपको पता करके बताता हूँ कि अभी यहाँ से वहाँ वृंदावन तक कैसे जाऊँ। और ये पीछे रह गया रेलवे स्टेशन, इधर से ऑटो वगैरह मिल रहे पर मेरे को पता नहीं कब ऑटो में जाऊँ या किस में जाऊँ। यहाँ से अभी वृंदावन के लिए ये ऑटो लिया है, मेरे को नहीं पता और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या यही है। अभी ये ऑटो तो लिया है, बाकी देखते हैं वृंदावन तक चलते हैं। पहले यहाँ से पहले रेलवे स्टेशन से वृंदावन तक ऑटो लिया, उसके आगे का आगे देखते हैं। अगर आते टाइम सिटी बस वगैरह यहाँ पे चल रही हो तो आपको मैं बता दूंगा। भाइयों वो ऑटो वाले ने मेरे को यहाँ उतार दिया, उसने बोला यहाँ से एक अलग टेम्पो लेना पड़ेगा। मतलब ये कोई चोराया, इसने क्या नाम बोला था मेरे को ध्यान नहीं रहा, पर यहाँ कोई चोराया, यहाँ से दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा या फिर 1 किलोमीटर है यहाँ से तो पैदल भी जा सकते इतना चल के। तो और पीछे ये गेट है तो कुछ लिखा हुआ है सज्जनगढ़ गुरु ऐसा कुछ है, पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा प्रेम मंदिर ही जा रहा हूँ। जी पहुंच लिए सब प्रेम मंदिर के आसपास पहुंच लिए। यहाँ एक पानी की बोतल ली और एक लिया ये मिल्क शेक, और खाने में मेरे को तेल वाली कोई चीज़ें खानी नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम तेल वाली चीज़ों से। तो मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रही है, तो अभी यही पी लेता हूँ खा लेता हूँ और पहुँच लिए प्रेम मंदिर के पास। बस थोड़ा सा दूर और है, ये अपने रास्ते पर वापस चल लिए नाश्ता करके, क्या बोलते हो उसको, ट्रेवलर, सोलो ट्रेवलर। बैग वगैरह अंदर नहीं ले जा सकते तो सही रहेगा, तुम कहीं होटल वगैरह बुक कराओ वहीं बैग रख के आओ। तो बैग अंदर ले नहीं जा सकते, शूज मैंने ये खोल लिए और बैग ये रहा मेरा। अब पानी की बोतल ले जा सकते या नहीं ले जा सकते वो पता नहीं, वो एक बार देख लेता हूँ। गाइज 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 सरप्राइज दूँ गाइज, तो ये देख लो
कोई और मंदिर है, ऐसे कृष्ण भगवान का ही है पर कुछ और है यहाँ पे इधर। तो इस साइड वही है, देख लो कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ देख लो भाई, जो सभी जगह राधा कृष्ण के ये मूर्तियाँ बना रखी है। उधर वो सामने भी देख लो, देख लो भाई जो इधर शिव जी की ये शिवलिंग बना रखा है। उधर ये क्या लिखा हुआ है, कृति पालू, कृति पालू ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो घास की डिजाइन से लिखा हुआ है। तो इधर भी ये कुछ है, टॉयलेट्स वगैरह है इधर, तो यहाँ से दिख रहा है पूरा कृति पालू लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देख लो भाइयों, यहाँ पे वो जो लकड़ी पे टिका रखे, वो वीडियो वगैरह में किसी ने देखा होगा, ये पूरा पहाड़ लकड़ी के टिका दिया था, ये रहा वो नहीं मतलब एक उंगली पे टिकाया था। पर यहाँ देख सकते हो आप सभी, ये लकड़ी टिकाए बैठे हैं यहाँ पे, मतलब खड़े हैं। और कृष्ण भगवान वो देख लो, एक उंगली से अपने पूरा पहाड़ तो के खड़े हैं। भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। कृष्ण भगवान ने ये उठाया था ये पत्थर, वो तो हमने सबने सुना है, पर यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे किसी साइड से इस पत्थर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी ये पत्थर खड़ा है। मतलब कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, खाली ये लकड़ियाँ हैं थोड़ी बहुत, ऐसे खाली स्ट्रक्चर बना रखे, ये पूरा देख लो कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको, फिर भी ये खड़े हैं पत्थर को। तो कैसे किया होगा, क्या पता क्या इंजीनियरिंग है इसके पीछे। मेन मंदिर आता है ये प्रेम मंदिर, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम मंदिर। तो ये है मेन मंदिर जो कृष्ण भगवान और राधा के प्रेम के से, मतलब प्रेम प्रसंग से बना हुआ मंदिर, ये है प्रेम मंदिर। ये रहा यहाँ का मंदिर। और भाई मतलब ये बड़ा शानदार, मतलब सब जगह ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये पेड़ भी किस पे टिक रहा वो पता नहीं, मतलब कृष्ण भगवान ने टोका था वो तो हम मानते, पर ये पत्थर भी कहीं पे भी टिका हुआ नहीं है, ये भी ऐसे ही पड़ा है खाली। देख लो भाई, इंजीनियरिंग हो या फिर शक्तियाँ हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। जैसे पास जाते जा रहे इसकी खूबसूरती और निखर के आ रही है। ये देख लो यहाँ पे पूरे पत्थर चमक रहे हैं, मतलब कांच के वैसे पत्थर लग रहे हैं यहाँ पे। इस साइड भी ये देख लो, और जैसे पास जाते जा रहे ऐसे ही इसकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। ये देख लो खड़े रहो ना। गाइस प्रेम मंदिर पे ये मैंने पूरा घूम लिया और आपको भी टूर दे ही दिया, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। जय श्री कृष्णा लिख दो कमेंट में, और राधे राधे लिख दो, जय श्री कृष्णा एंड राधे लिख दो, कुछ भी पर कमेंट में लिख के जाओ कृष्ण के बारे में कुछ भी। और पीछे अपना ये प्रेम मंदिर, मेरा तो यार अकेले आने का डिसएडवांटेज है यार, एक तो कोई फोटो ढंग की खींच नहीं रहा, एक भी फोटो सही से नहीं आया एक भी फोटो। अभी और भी एक आधा और खिंचाता हूँ फिर देखता हूँ। और आंखें नहीं खुल रही, देखो आंखें जोर लेके खोलनी पड़ रही, आंखें खोल रहा हूँ जोर देकर, पसी आंखों में आंसू से आसाद आ रहे हैं। ये स्पीकर है और इधर ही अपना मंदिर। तो चलो मंदिर को बाय बाय कर ही देते, सारे सब दूर का व्यू ले लिया।
क्योंकि अब ज्यादा देर तो क्या देखें, अब जितना देखो इतना कम पड़ रहा है, तो देखते ही रहो। इतना शानदार सा व्यू है, पूरा दिन देखो तो कम पड़े। लोगों को एक और लास्ट बार दिखा दूँ, यहाँ से यार सेल्फी ले लो, बहुत अच्छी सेल्फी आएगी। एक मिनट रुकना गाइस, फोटो बहुत सारे ले रहा हूँ, पूरा आँखें नहीं खुल रही मेरी, इतनी धूप पड़ रही, बहुत धूप गहर धूप पड़ रही है। देखो पसीना, अभी तो कहीं और भी घूमने जाना और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट चार्जिंग खत्म ही हो गया है। चलो आपको कुछ और दिखाऊं, फिर किसी और लोकेशन का व्लॉग भी बनाऊं। ऊपर पत्थर थे उसमें बिल्कुल भी गर्म नहीं फील हो रहा था, इसमें तो बहुत खतरनाक जल रहा है, वहाँ पे तो जल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। चलो यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है। देख लो ये कृष्ण जी माखन खा रहे हो, देखो